हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम काफ़ी दिन से इसके लिए वेट कर रहे थे, इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूटी के हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, डिसकंटिन्यूटीज भी पढ़ चुके हैं। तो अब अपने पास है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है। तो सबसे पहले कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या फ़र्क है कंटिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। तो एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या फर्क है। सपोज आप लें f फ्रॉम r टू r f ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर। ये हमने फंक्शन ले लिया, ये कंटिन्यूअस है, ये आप सब जानते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये पैराबोलिक ग्राफ है तो कंटिन्यूस तो है, ये हमें पता है अच्छे से। अभी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है, तो इसके लिए हमें ये चेक करना है कि फॉर एवरी इवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। अब ये जो डेल्टा है ये कैसा डेल्टा है, क्या अलग अलग पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग डेल्टाज आते हैं या एक ही डेल्टा आपका काम करेगा। तो अभी आप देखिए, इसी पर अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लूँ 1/4, ठीक है, और जो इनिशियल पॉइंट है जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, सपोज हमने 0 ले लिया, ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये हमें ढूंढना है, डेल्टा फाइंड करना हमारा टास्क है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए, 0 पे 0 ही आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका 1/4 है, तो इनमें से अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1/4 है तो मॉड एक्स लेस देन हाफ आ गया आपके पास। तो इसको अपन डेल्टा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स माइनस 0 इज लेस देन हाफ, तो ये इस डेफिनेशन से मैच हो रहा है, ए पॉइंट आपका 0 है तो डेल्टा की वैल्यू हमें हाफ मिल गई है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये 0 है और यहाँ पे हमने इसकी डेल्टा नेबरहुड ले ली है, डेल्टा मीन्स हाफ, तो 0.5 और 0.5, सो इट्स 0.5 एंड 0.5 माइनस। सो इस नेबरहुड में से आप अगर पॉइंट एक्स सिलेक्ट करेंगे तो आप बिल्कुल श्योर होंगे कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन, उसका जो डिस्टेंस एफ ऑफ ए के साथ है वो लेस देन एप्सिलॉन मींस 1/4 होगा। चलिए देखते हैं क्या ये सेम काम करता है कि नहीं करता है आपके किसी दूसरे पॉइंट के लिए। यहीं पर अब हम एप्सिलॉन हमारा सेम ही है, लाइक गिवन एप्सिलॉन, जो पॉइंट है इसको मैं चेंज कर लेती हूँ 1। अब यहाँ पे सपोज मैंने 1 ले लिया है पॉइंट, राइट, और उसके बाद डेल्टा मेरे पास हाफ ही है, डेल्टा हाफ है, तो इसकी क्या नेबरहुड हो गई, ये 1.5 हो गई और ये आपकी 0.5 हो गई, ये नेबरहुड हो गई। तो इसमें से भी अगर मैं कोई पॉइंट निकालूँ, क्योंकि अब मैंने पॉइंट चेंज कर दिया है, लेकिन डेल्टा मैं सोच रही हूँ कि मैं सेम ही रख के काम चला, ठीक है, तो यहाँ से सपोज कोई भी पॉइंट से 1/4 निकाल लेते हैं, राइट, सो 1/4 माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा है, ये ठीक है, डेल्टा क्या है हमारे पास हाफ, ये बात सही है। 0.4 मीन्स 0.25 छोटा है 0.5 से, ये तो सही है। तो क्या एफ एक्स माइनस एफ ए भी लेस देन डेल्टा है, एप्सिलॉन है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स है, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1.96 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, और ये डेफिनेशन लगा रही हूँ मैं कंटिन्यूटी की, तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जो कि मेरे पास 1.4 है यहाँ पर। तो आप देखिए क्या 0.96 छोटा है 0.25 से, जो कि 1/4 की वैल्यू है, नहीं, दैट मीन्स अगर मैंने पॉइंट चेंज किया तो जो हमारा डेल्टा था इसने काम करना बंद कर दिया, दैट मीन्स डिफरेंट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट डेल्टा मिलते हैं। और यही जरूरत महसूस होती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, क्या कोई ऐसा डेल्टा मिल सकता है जो हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग काम करे। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। सो अ फंक्शन इज एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा इंटरवल पर डिफाइन करते हैं, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, डोमेन की प्रॉपर्टी होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल प्रॉपर्टी, तो जबकि कंटिन्यूटी लोकल प्रॉपर्टी कहलाती है, राइट, और सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन सम इंटरवल आई इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्टेड डेल्टा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेल्टा के साथ ये नोटेशन लगाई हुई है, डेल्टा एप्सिलॉन, दैट मींस डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन का फंक्शन है, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होता है।
कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, सेम डेल्टा आपका काम करेगा, मतलब कोई भी अक्षर हम दे तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म डेल्टा काम करेगा थ्रू आउट, सच दैट दिस थिंग। तो ये तो आपका कंटिन्यूटी वाला ही पार्ट है कि डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर द पॉइंट्स एंड देमसेल्व्स आर द डेल्टा डिस्टेंस पर हो, और ये पॉइंट्स आपके इंटरवल से ही बिलोंग करते हैं, राइट। और एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, ये बहुत ही ट्रिवियल सी बात है, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में आप एक डेल्टा सबके लिए काम करवा रहे हो, जबकि कंटिन्यूटी में अलग अलग पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग डेल्टास मिलते थे, तो यही डेल्टा हर पॉइंट के लिए काम कर जाएगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा कंटिन्यूटी इम्प्लाई करती है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। देयर आर फंक्शन विच आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, सॉरी विच आर कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, दिस साइड इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक योर एफ फ्रॉम 0, 1 to r by setting f of x is equal to 1 upon x, ये फंक्शन हमने ले लिया। तो अभी तो मैं आपको एप्सिलॉन डेल्टा से बता देती हूँ कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन लेटर ऑन मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे दूंगी, एक ट्रिक बता दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से नहीं होते हैं। इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अपन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं कोई भी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ये आप जानते हैं अच्छे से, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, राइट। तो आप ये जो फंक्शन है ये इस तरीके का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ तो मुझे देखना है कि क्या सेम डेल्टा काम करेगा हर पॉइंट के लिए। तो अगर मैं डेल्टा कुछ भी पॉजिटिव ले लूँ, कोई भी डेल्टा, अगर हम यहाँ से जो भी कंटिन्यूटी से डेल्टा मिला होगा, सपोज वो हमने ले लिया डेल्टा पॉजिटिव, सो आप देख सकते हो फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा फॉर एवरी n ग्रेटर इज इक्वल टू n। तो ये यहाँ कौन से पॉसिबल, एक तरीके से 1/n किसको 0 को कन्वर्ज करता है, तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कि आप इसको 1/n एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो आप उसको चाहे जितना छोटा बना सकते हैं, दैट मींस यू कैन मेक इट लेस देन एप्सिलॉन एंड एज स्मॉल एज यू प्लीज, सो आई कैन मेक इट लेस देन डेल्टा, एक ऐसा एम पक्का से मिलेगा ड्यू टू कन्वर्जेंस, 1/n कन्वर्जिंग टू 0, ठीक है। सो ये सिचुएशन हमेशा पॉसिबल है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए सपोज x1 को मैंने 1/2m ले लिया, x2 को मैंने 1/m ले लिया, ये दोनों ही पॉइंट हमारे इस i इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि 1/m कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो दो पॉइंट हमने इस इंटरवल में से निकाल लिए, राइट। आप चेक कीजिए x1 - x2 कितना हो जाएगा 1/2m - 1/m, इट्स 1/2m। अब आप यहाँ देखिए n अगर ग्रेटर देन m है तो 1/n < 1/m होगा, तो और 1/n आपका लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी 1/2n, दिस इज 1/(Δ/2) एंड दैट इज फर्दर लेस देन डेल्टा। तो आप देखिए कि जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं वो डेल्टा डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, अब क्या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस आपकी लेस देन एप्सिलॉन है, तो आप देखिए फंक्शन हमारा ये ही है, तो अब जब आप एफ ऑफ x1 - f(x)2 करेंगे तो ये आपके पास 2m - m आ जाएगा, जो कि m आ जाएगा, एंड दिस नीड नॉट टू लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, राइट। यहाँ पे आपका एक फिक्स आंसर m आ गया, तो एप्सिलॉन अगर मैं चेंज करूँ तो आंसर सिर्फ m ही रहेगा, अगर सो दिस इज द कंसेप्ट कि यही आपका एम काम नहीं करेगा। तो अभी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं था। अब एक छोटा सा ऐसा ट्रिक है कि अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है, जैसे कि मैंने आपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था जिसमें कंटिन्यूटी हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर आपका ऐसा फंक्शन है जिसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो वहाँ से आप कंटिन्यूटी बता सकते हो, तो आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी बता सकते हैं। कैसे, सपोज अगर हमने फंक्शन f लिया है से r → r by setting f(x)= x², एक और फंक्शन है यही जो अभी हमने किया था से 0 → 1 by setting f(x)= 1/x, तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, 0 को टच करेगा इस तरीके से, इसका जो ग्राफ आएगा ये इस तरीके से आएगा। तो आप देखिए अगर किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ है जो अगर आप का y एक्सिस को इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहा है, दैट मीन्स
यहाँ पे आप जैसे जैसे अपना कोई भी पॉइंट इंक्रीज कर रहे हो या किसी भी सर्टेन इंटरवल में आपका जो ग्राफ है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट दिस किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग. यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो है तो आपका जो भी ग्राफ है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है. यहाँ x टेंड्स टू इंफिनिटी के कोरस्पॉन्डिंग आपका ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो इंफिनिटी को जो भी ग्राफ अप्रोच करते हैं वो कभी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होते, ये चीज आप याद रखेंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज हम यहाँ जीरो की नेबरहुड में जैसे ही दो पॉइंट्स लेंगे, आप देखें बिल्कुल जीरो के क्लोज अगर आप दो पॉइंट्स लेंगे तो इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बहुत कम होगा, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका ग्राफ आएगा उनका बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. दैट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन आई कैन नॉट मेक दैट डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन. सपोज अगर मैं एक एक्स वन पॉइंट ले लूँ 0.01 और एक मैं एक्स टू पॉइंट ले लूँ 0.001, दैट आई कैन ऑलवेज हैव ये दोनों जीरो की नेबरहुड में है. यू में से 0.02 नेबरहुड से ले लीजिए, सॉरी 0.02 नेबरहुड से ले लीजिए, ठीक है. तो इनमें इन पॉइंट के बीच में डिफरेंस तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, राइट. सो ओनली थिंग अगर आप एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो इट्स लाइक 1 अपॉन 0.001 माइनस k 1 अपॉन 0.001, सो इट्स लाइक 100 माइनस 1000, राइट, एंड दैट विल बी 900. सो आप देखिए कि आपने पॉइंट्स तो कितने कम दूरी पर लिए थे लेकिन उनके इमेजेस का बीच का डिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है. सो इस तरीके से जो पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते, बिकॉज वट एवर द पॉइंट्स यू शुड टेक उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो उनकी इमेजेस के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. यू कैन मेक द इमेजेस लेस देन एप्सिलॉन एज आई प्लीज, क्योंकि एप्सिलॉन एक गिवन नंबर होता है. सो दिस इज द ट्रिक टू चेक कि अगर किसी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, अगर वो ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होती. तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके NIIT, IIT, जेएम वगैरह हायर एग्जाम्स में आते हैं. ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए. कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू.